क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, कहता है निम्नांकित आकृति में वाई का मान ज्ञात करें। ठीक है, निम्नांकित का मतलब दो ठो सवाल इसमें दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में ये आकृति है, सेकंड में ये आकृति है। फर्स्ट वाले में नाम सब दिया गया है लेकिन सेकंड में नहीं दिया गया, तो किस तरह से बनाना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट वाले में जो दिया गया है एंगल ए ओ ई 5y है। यहाँ पे देखिए ए ओ ई 5y, ई ओ डी 3y है, फिर डी ओ बी कितना है 2y है। हम लोग जानते हैं कि रेखिक युग्म में से टोटल कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये वाला अगर हम यहाँ से बात करें तो टोटल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री होता है रेखिक युग्म से। अब जो चीज़ दिया गया है ए ओ ई, तो यहाँ पे लिख दिया गया है ए ओ ई 5y, फिर जा करके ई ओ डी 3y है तो 3y, उसके बाद डी ओ बी 2y है तो 2y। ठीक है, पहले से लिखे ताकि टाइम का बचत हो। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या जानते हैं रेखिक युग्म से, लिखेंगे हम जानते हैं कि अब जितने भी टोटल एंगल है, जितना भी एंगल है वो यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, रेखिक युग्म से, तो लिख देंगे रेखिक युग्म से होता है, तो रेखिक युग्म से। ठीक है, अब जितना इस सब का मान दिया हुआ है सब का मान बैठा देंगे, बस आंसर निकल जाएगा। देखिए ई ओ वाई का मान कितना है 5y ना, तो यहाँ पे लिखना है 5y प्लस ई ओ डी का कितना है 3y, तो 3y लिखना है। ठीक है, प्लस डी ओ बी का कितना है 2y, तो 2y लिखना है। बाकी बात 180 डिग्री तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब सबको ऐड कर दीजिए, 5y 3y और 2y, तो 5y 3y 2y तीनों का ऐड करेंगे तो 5 3 8 8 2 10 टोटल हो जाएगा कितने, 10y इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 10 से एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, y बराबर 18 डिग्री। यही आपका एक का आंसर हो गया। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आप पूरा डिटेल चाहिएगा कि इसका एंगल कितना है, इसका एंगल कितना है, इसका एंगल है, तो बस आप 10 सेकंड टाइम दीजिए, यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर एक में फर्स्ट में क्या माने थे ए ओ ई ना, तो लिखेंगे एंगल ए ओ ई बराबर कितना है 5y, तो 5y का मतलब 5 और y का मान अभी तुरंत 18 डिग्री निकाले तो 18 5 90 डिग्री एक का निकल गया। दूसरा ये वाला हो गया 90 डिग्री का। अब इसका निकालते हैं, देखिए तो ई ओ डी एंगल ई ओ डी बराबर कितना है 3y है, तो 3 × y का मान है 18 डिग्री, 18 + 54 डिग्री, ये हो गया कितना 54 डिग्री का। ठीक है, अब ये वाला डी ओ बी तीसरा में डी ओ बी 2y है, तो 2 × y का मान 18 डिग्री, 18 × 36 डिग्री। ठीक है, ये निकालने नहीं बोल रहा है लेकिन नॉलेज के लिए यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, टोटल इधर भी 90 इधर भी 90, ये वो क्वेश्चन में नहीं कर रहा था निकालने के लिए लेकिन फिर भी इसको नॉलेज के लिए निकाल दिया, लेकिन आंसर आपका यहीं तक है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, मतलब 10 का 1 है, उसके बाद 10 का 2 है, तो आप लोग इसको नोट कर दीजिए, मैं दूसरा बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।